जनपद में कुसमेही जंगल स्थित विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित किया जाएगा, जिसके संबंध में जेफ विकास यादव ने बताया कि विनोद वन एक समय में गोरखपुर का मिनी जू था, लेकिन अब जनपद में एक नया जू बन गया है और विनोद वन के जानवरों को नए जू में रख दिया गया है। विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें नेचर कैंप, योगा सेंटर, बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स संबंधित वस्तुएं, हाथी, ऊंट को रखा जाएगा, जो कि वन का भ्रमण करवाएंगी। उन्होंने कहा, विनोद वन को टूरिज्म की तरह विकसित किया जाएगा, जिससे वन्य जीव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलेगी और वन्य जीव के संरक्षण में मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीएफओ विकास यादव ने कहा, सर विनोद वन को लेकर क्या तैयारी है, कुछ नया बदलाव होने जा रहा है? देखिए, विनोद वन एक समय में ये मिनी जू था गोरखपुर का, और क्योंकि अब हमारे पास एक नया जू बन गया है और जो विनोद वन के जानवर सभी थे वो गोरखपुर जू में चले गए, तो विनोद वन को थोड़ा सा इको टूरिज्म के पर्पज़ से डेवलप करने के लिए हम लोगों ने कुछ एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसमें जो है नेचर कैंप हो गया, योगा सेंटर हो गया, और इसी के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स और कैमल, हाथी या जो हॉर्स की पेट्रोलिंग या मैं सफारी कहूँगा, इस तरह के कुछ हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो कि अभी प्रारंभिक स्टेज में है। तो हम लोग का प्रयास ये है कि विनोद वन क्योंकि कभी एक पिकनिक स्पॉट या एक सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था, उसको फिर डेवलप किया जाए और इससे जो है लोगों में केवल लोगों के लिए एक स्थल पिकनिक स्पॉट नया डेवलप होगा, साथ ही साथ वनों के और वन्य जीव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलेगी और इससे हमें इनके संवर्धन में, वन और वन्य जीव के संवर्धन और संरक्षण में मदद मिलेगी।